हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनएसएआईडी। एनएसएआईडी का पूरा नाम तो आपको मालूम होगा, यह है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, और ये तीन तरीके के एक्शन को पजेस करते हैं या यू कहूँ कि हमें देते हैं। इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी का एक्शन, दूसरा कुछ हद तक ये एनाल्जेसिक इफेक्ट भी शो करेंगे और आपकी बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को, फीवर को भी कंट्रोल करके नॉर्मल टेम्परेचर पर मेंटेन करने का काम करेंगे। यूं तो जो एनएसएआईडी के डिग्री की ड्रग है, इनको हम तीन अलग अलग तरीके से इनके काम करने के तरीके के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तीन मेन क्लास क्या क्या होते हैं? पहला होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दूसरा होता है आपका प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, और तीसरा होता है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। इन तीनों कैटेगरी में से सबसे पहले जो कैटेगरी है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है, लेकिन आज मैं कुछ प्रॉब्लम स्पेसिफिक कैटेगरी के वाइज बात नहीं करूंगा। इस टेबल में हम बात करेंगे एक ओवरऑल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनएसएआईडी, चाहे वो कॉक्स 1 को इफेक्ट करे चाहे कॉक्स 2 को इनहिबिट करे, इन सब की कम्युलेटिव एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो जो एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहला ऑर्गन है या इस ऑर्गन पे जो हम एडवर्स इफेक्ट देखेंगे वह है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। काफी सारे इफेक्ट एनएसएआईडी के जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं वो आपको इसी जीआईटी पे देखने को मिलते हैं। कुछ नॉर्मल होते हैं तो कुछ डेंजरस भी हो सकते हैं। चलिए इनलिस्ट करें ऐसे ही एडवर्स इफेक्ट को जो कि एसोसिएटेड है एनएसएआईडी से और दिखते हैं जीआईटी पे। पहला है नोजिया, दिस इज अ फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ देर बाद, कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद आप वोमिट आउट कर देंगे, तो ऐसी फीलिंग नोजिया कहलाती है और ये एनएसएआईडी के द्वारा कॉज किए जा सकते हैं। दूसरा है एनोरेक्सिया, यानी कि आपका अब भूख लगना पहले की तुलना में कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा अनवांटेड इफेक्ट है गैस्ट्रिक इरिटेशन। जब आप कभी भी एनएसएआईडी का ड्रग को लेंगे तो लेने के कुछ समय बाद आपको थोड़ा थोड़ा जीआईटी पे इरिटेशन का फील होना स्टार्ट होगा, यही कहलाता है गैस्ट्रिक इरिटेशन। इसके बाद है इरोजन, ये एक अनवांटेड इफेक्ट में से थोड़ा सीवियर की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। तो जो इरोजन है इसका मतलब होता है थोड़ा सा छिलाव, थोड़ा सा कटाव, आपके जो अंदर के म्यूकस मेम्ब्रेन है थोड़ा थोड़ा उनमें इरोजन छिलाव होने लगेंगे। उसके बाद है पेप्टिक अल्सरेशन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनवांटेड इफेक्ट होता है एनएसएआईडी कैटेगरी का। और जब हम एक्सपेरिमेंटल सेक्शन की बात करते हैं, जब किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में हमको पेप्टिक अल्सर कॉज कराना होता है तो उनमें मैक्सिमम के केस में एनएसएआईडी को यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप बात करेंगे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर की, और ये जो आपका ड्रग है अगर वो कॉक्स 1 को इनहिबिट करता है एनएसएआईडी, तो कॉक्स 1 का जो फंक्शन है म्यूकस के मेम्ब्रेन का सिक्रीशन करना, या यूं कहूं कि बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करना, ताकि आपके जीआई में प्रेजेंट एसिड से आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करे। तो इस प्रोटेक्ट करने वाले कॉक्स 1 को आपका एनएसएआईडी इफेक्ट करता है, इनहिबिट करता है, तो ऑब्वियसली उसका जो प्रोटेक्शन इफेक्ट है वो तो गायब होना ही होना है। इसी कारण से पेप्टिक अल्सरेशन के चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद जो अगला होता है वह है गैस्ट्रिक परफोरेशन। ये एक सीवियर कंडीशन है, यानी कि आपकी जीआईटी में थोड़े थोड़े परफोरेशन छिद्र होने लगेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ पेप्टिक अल्सरेशन। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। अगर कहीं कटाव छिलाव हो रहे हैं, अगर कहीं इरोजन हो रहा है, तो फिर ब्लीडिंग तो होनी ही होनी है। इसोफेगाइटिस भी होगी, इसोफेगल का इन्फ्लामेशन भी हो सकता है इस एनएसएआईडी की वजह से। तो जीआई पे काफी सीरियस प्रॉब्लम देखते हैं। जो मेजर है वो आपका है पेप्टिक अल्सरेशन एंड गैस्ट्रिक परफोरेशन। इसके बाद अगर हम बात करें रीनल पे, यानी कि आपके यूरिन फॉर्मेशन करने की इकाई यूनिट यानी कि किडनी पे इस एनएसएआईडी का क्या इफेक्ट होता है, तो मोस्ट ऑफ द केस में ये सोडियम और वाटर के रिटेंशन को बढ़ाते हैं। और जब सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा तो आपको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को भी फ्लक्चुएट करने का काम करेंगे, एक थोड़ा सा हायर साइड पर लेके जाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के कैटेगरी के अंदर हमने पढ़ा हुआ एक क्लास जिसको बोलते हैं डायूरेटिक, इन दो चीजों को आपको जोड़ना होगा तब आप सीख पाएंगे। तो क्या होगा, डायूरेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं बाय इनहिबिटिंग द रीअब्सॉर्प्शन एज वेल एज द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो वहां पे वो एंटी हाइपरटेंसिव के इफेक्ट शो कर रहे हैं सोडियम वाटर रिटेंशन को कम करके, जबकि यहां पे ये बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? एनएसएआईडी, कुछ हद तक, एकदम ज्यादा भी नहीं कह सकते। तो सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन को बढ़ा रहे हैं, साथ साथ ये एडिमा कॉज कर रहे हैं यानी कि थोड़ा सा सूजन कॉज कर रहे हैं, साथ साथ ये क्रोनिक रीनल फेलियर को कॉज कर सकते हैं। अगर लंबे समय तक इस तरह के एनएसएआईडी ड्रग को लिया जाए तो वो आगे जाकर के रीनल फेलियर की प्रॉब्लम भी कॉज कर सकते हैं। एक छोटी सी केस स्टडी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इन मोस्ट ऑफ द केस में गांव के जो पीपल होते
हैं वो काफी सारा एक एनएसआईडी ड्रग को कंज्यूम करते हैं पेन किलर के रूप में। कभी उस ड्रग का नाम आपके साथ शेयर करूंगा, अभी ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाह रहा मैं, तो वो टीवी में दिखता है हरी पन्नी वाली गोली, वो काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो उनके कारण से उनका रीनल फेलियर हो सकता है। और कई रिपोर्ट में ये सामने आया है विलेज के केस में कि इस ड्रग को लेने की वजह से उनका जो रीनल है वो फेलियर की कगार पे पहुंच चुका होता है। आगे बात करेंगे तो नेफ्रोपैथी यानी कि आपके यूरिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नेफ्रॉन के सेल की डेथ हो जाना, यहां पे नेफ्रोपैथी में आ जाएगा। पैपिलरी नेक्रोसिस जो कि बहुत कम संभावना है, विच इज रेयर केस में हो सकता है, वो भी हो पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, उस पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये देखिए राइज इन ब्लड प्रेशर, अब इस चीज को हम कैसे कोरिलेट करें, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था कि ये सोडियम और वाटर रिटेंशन को इंक्रीज करते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को राइज करने में मदद करेंगे। सो दिस कंपैरिजन इंडिकेट दैट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ये आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ा देते हैं, साथ साथ ये रिस्क कॉज करते हैं किसके लिए, MI दैट मीन्स मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए, खास करके ऐसे ड्रग जो कि COX-2 इनहिबिटर होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि वो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कॉज करते हैं। आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाते, फिर वो आगे जाकर के दूसरे एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी कॉज कर सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF की प्रॉब्लम भी ये कॉज कर सकते हैं आपके NSAID अगर लंबे समय तक चले तो। इसके बाद जो अगला ऑर्गन है वो है हमारा लीवर, हेपेटिक पे लीवर पे इसका क्या असर मिलेगा। दो चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, एक आपका किडनी फेलियर, दूसरा आपका लीवर डैमेज, और अगर GIT की स्पेसिफिक बात करें तो अल्सर। ये तीन चीजें डॉट मैंने लगाई हैं वो आपको याद होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो हेपेटिक केस में राइज्ड ट्रांस अमीनेज, जब हम बात करते हैं ना लीवर फंक्शन टेस्ट की तो SGPT SGOT टेस्ट चेक करते हैं, वो इन्हीं के लेवल को चेक करने में मदद करता है। तो यहां पे राइज्ड ट्रांस अमीनेज, और ये ट्रांस अमीनेज क्या है, They are important in the synthesis of amino acid, जो आगे जाकर के प्रोटीन बनाने का काम करेगा। तो इनकी क्वांटिटी को ये बढ़ाते हैं और साथ साथ आगे जाकर के हिपेटिक फेलियर भी कॉज कर सकते हैं। अगर हम बात करें NSAID के एडवर्स इफेक्ट का हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, यानी कि हमारे बॉडी के मेन कंट्रोलिंग पार्ट पे, तो वो क्या क्या होगा, कॉमन से सीवियर तक भी हो सकते हैं और शॉर्ट टू लॉन्ग भी हो सकते हैं। पहला है हेडेक जो कि कॉमन है, सरदर्द का एहसास होगा, मेंटल कंफ्यूजन बना रहेगा लेकिन लंबे समय के डोज लेने पे ये होगा, और वर्टिगो की प्रॉब्लम होगी, ऊंचाई से आपको डर लगेगा। सीजर अगर कहीं पे आता है किसी को, अगर किसी को एपिलेप्सी है तो उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, और अगर एपिलेप्सी नहीं है तो बीच बीच में सडन ऑल ऑफ सडन एक ऐसे सीजर की फीलिंग आपको देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करें इस NSAID के अनवांटेड इफेक्ट को हिमेटोलॉजिकल, यानी कि आपके ब्लड के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए ये ब्लीडिंग कॉज करेगा, यानी कि क्लॉटिंग को कम कर सकता है, ये एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है NSAID के साथ। उसके साथ साथ देखिए ये क्या कॉज करेंगे, ये कॉज करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसको मैंने आपको एंटी कैंसर में बताया भी था। एक्चुअली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता क्या है, दिस इज एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट ऐसे कंपोनेंट हैं ब्लड के जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अब ये देखिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज कर रहा है, यानी कि लो लेवल ऑफ प्लेटलेट है, जब ये प्लेटलेट ही कम बनेंगे तो ब्लीडिंग का रुकना, यानी कि ब्लीडिंग का रुकना कैसे कम हो पाएगा, दैट्स कॉल्ड ब्लीडिंग प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसके साथ साथ देखिए ये जो आपके थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो जाना, यानी कि आपके प्लेटलेट की कमी हो जाना। इसके बाद देखिए हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब एक ऐसा एनीमिया जहां पे जिसका कारण आपके हीम यानी कि हीमोग्लोबिन और RBC का लाइसिस होना होता है। रेड ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉयड फास्टर एज कंपेयर टू देयर नॉर्मल लाइफ साइकिल, तो उसकी वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम होगी। फिर हो सकता है न्यूट्रोपेनिया, यानी कि लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल भी आपकी बॉडी के काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, खास करके ब्लड के जितने भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हैं उसमें मददगार होते हैं, तो इनके लेवल को भी ये कम कर सकता है। यानी कि ब्लड में भी काफी मेजर प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर और इनरेशनल यूज ऑफ NSAID। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज अदर ऑर्गन। इनके अलावा बाकी के कहां कहां क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो ये अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि कॉज करते हैं लेकिन ये प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, ये ट्रिगरिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक्जर्वेशन कॉज कर सकते हैं, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है मूड के चेंज होने की वजह से नेगेटिव फीलिंग काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। रिनेटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, नेजल पॉलीप्रोप्सिस की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि पॉलिप्स जो कि एक सॉफ्ट पार्ट होते हैं पेनलेस पार्ट होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, ग्रोथ होने लगते हैं, लाइनिंग बनने लगती है, जैसे
आपने कई बार देखा होगा गूगल इमेज में, तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पैसेज है, साइनस है, वो थोड़े सकरे होने लगते हैं। इसके साथ साथ स्किन पे बात करेंगे तो स्किन में रैशेस कॉज कर सकते हैं, एंजियोएडिमा की प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। एंजियोएडिमा क्या है? एंजियोएडिमा इज एन एरिया ऑफ स्वेलिंग ऑफ द लोअर लेयर ऑफ स्किन एंड टिश्यू जस्ट अंडर द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। और ये जो टेबल आपने देखा, इसका रेफरेंस है केडी त्रिपाठी का 8th एडिशन पेज नंबर 216। इसमें कुछ चीजों को हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, जैसे उनके स्पेसिफिकेशन को, एक्सर्बेशन क्या होता है, आपका पॉलीप्रोसिस क्या होता है, इन सब के जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, इसे हमने ऐड किया है ताकि आपके वर्ड भी, आपके टर्मिनोलॉजी भी क्लियर होते चले। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।